Hey guys, Assalamualaikum, Shashakal. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है हिंदू को चाहिए इस्लामिक कानून. डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई. तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है. आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. यस गाइस, देखते हैं कैसा ये वीडियो होने वाला है. और वैसे तो डॉक्टर जाकिर नायक सर का रिप्लाई बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत ग्रेट रहता है. तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. वो बिना टाइम जाया करते हैं. आइए देखते हैं. सऊदी कंट्री है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ की सजा होती है वो इंडिया की सजा होनी चाहिए. रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए? सऊदी अरब की तरह एक सजा होनी चाहिए उसको. यहाँ पर सजाए मौत होनी चाहिए, जैसे अरब में होती है वैसे यहाँ भी होनी चाहिए. हर जगह होनी चाहिए ये चीज. ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए. उनका तो यही सजा है कि सजाए मौत हो उन्हें. जी, मौत की सजा होनी चाहिए जो सऊदी अरब में है. की सजा तो मौत ही होना चाहिए. तीन दिन के अंदर ही उसे मार देना चाहिए. अगर पुलिस पकड़े या कोई भी, तीन दिन के अंदर उसे मार देना चाहिए. ये लूट मार जो हो रहा है, जैसे सऊदी अरब में नहीं है, यहाँ भी वैसे कानून होना चाहिए. जैसा सऊदी अरब में कानून बनाया गया, सेम उसी तरह कानून हमारे इंडिया में ही लागू करनी चाहिए. इंडिया में बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है. यहाँ तक कि किसी भी औरत को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है. कहीं पे भी, किसी भी मोड़ पे कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है. बाहर का कानून होना चाहिए जिसके लिए सऊदी अरब की तरह जैसे सजाए मौत होनी चाहिए. खुले आम उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए. मैडम, जैसे अभी पूरे देश भर में जो रेप को लेकर घटनाएं घट रही है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी देश की सरकार को एक ऐसा कानून लागू करना चाहिए कि जैसे सऊदी अरब का कानून है कि वह तत्काल तीन दिनों के अंदर मौत की सजा सरेआम आम जनता के बीच दी जाती है. तो मैं समझता हूँ कि अगर वो भी नियम कायदे कानून हमारे देश में लागू होंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में से इसी घटना को जो अंजाम देता है वो उसकी रूह कांप उठेंगी. और शायद इस घटना को अंजाम देने से पहले वो इस बात में सोचेगा कि यार मेरा अंजाम क्या होगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन आसमान संसार का रब एक ईश्वर है, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके. बीजेपी आरएसएस वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके. बहुत अच्छा, हिंदू बहुत अच्छा. जमीन आसमान का रब है तो कानून भी क्रिमिनल. थोड़ा सा सरकार हमारी बेटियों को बचाइए मंदिर से, आश्रम से, जहाँ भी रेप हो रहा वहाँ से. और ये तभी पॉसिबल है जब हम रेपिस्ट को चौरस्ते पे लाकर उसकी गर्दन उड़ाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा, हजारों बच्चों का रेप हो रहा, लाखों बच्चों को फीटिसाइड में मार दे रही. आज हिंदुस्तान के अंदर नारी सेफ नहीं है, क्राइम में नंबर वन पे चले गए हम वर्ल्ड में. और तो हम सबके आज की तारीख में बोस्निया टर्की की मिसाल आपने दी है. क्राइम रेट देख लीजिए वहां का कितना हाई हो रहा है. क्यों? हिजाब नहीं है. हिजाब रहेगा क्राइम रेट नीचे आएगा, बेटियां महफूज रहेगी. मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी माँ एजुकेशनिस्ट है, मेरी बीवी एजुकेशनिस्ट है, हिजाब में रहकर बेहतरीन पढ़ा रही है, इलाज कर रही है. पैगंबर मोहम्मद सलम की भी हजरत आयशा और हजरत खदीजा बिजनेस वुमेन और एजुकेशनिस्ट थी, बेहतरीन तरीके से हिजाब में रहकर जिंदगी गुजारे. धार्मिक किताब का रेफरेंस है, कुरान का भी है और साथ में वेदा का भी है, जो हिजाब के खिलाफ है. ना हिंदू है ना मुसलमान है मेरी नजर में, क्योंकि उन्होंने वेदा को भी रिजेक्ट कर दिया, कुरान को भी रिजेक्ट कर दिया. और ये अहकाम हमारी सिक्योरिटी, हमारी बेटियों की बेहतरी के लिए है. मर्द के लिए भी हुक्म है नजरें नीची रखे. वो भी नजरें अगर गैर औरत को देखकर नीची नहीं रखता है तो वो भी बर्बादी की तरफ जा रहा है. लड़कियों के लिए हुक्म है कवर करे अपनी सिक्योरिटी के लिए. आप देखिए, रेप के खिलाफ कानून है लेकिन रेप और गैंग रेप बढ़ रहे हैं. चिनाई की मासूम बच्ची का गैंग रेप हो गया आसिफा के बाद, गीता और संस्कृति का रेप हो गया, क्योंकि इंसानी बने हुए कानून इफेक्टिव नहीं रहते. इंडिया से लेकर अमेरिका तक देख लें आप, अल्लाह के, हम सबके ईश्वर के, गॉड के कानून सऊदी में जैसे, वो लाइए फिर देखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी रेप या किसी मासूम को मारने की. चौरस्ते में लाकर सजा इसलिए दीजिए ताकि सजा का डर रहे, सजा की हैबत रहे, और कोई मासूम बच्चियों का गैंगरेप ना कर सके, किसी मासूम को दहेज के लिए जला के ना मार सके. दरिया लाएंगे हिंदू बेटी बचेंगी, अल्लाह का कानून आएगा, आश्रम में बच्चियां बचेंगी, नहीं तो और चिन्मयानंद पैदा होंगे. प्रेम शुक्ला की बेटी की इज्जत बर्बाद आएगी. कल को वीएमपी बदरसा की बेटियां भी नहीं बचेंगी. सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े. और इसके बाद
इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में, कितना बेदर्द मजहब है इस्लाम, कितना बेरहम मजहब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूं और आपको जज बनाता हूं, आप क्या सजा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, जिना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते सजाए मौत? गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स, दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इससे तादाद बढ़ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद ऐसे में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत एक अमेजिंग टॉपिक पे वीडियो था रियली। और जितने इंडियंस लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं कि रेप पे जो होते हैं, ठीक है, उस पे हमारी जो सरकार है उनको जरूर इन पे एक कानून लाना चाहिए। और हाँ, क्योंकि अभी आप देखोगे इंडिया का सिचुएशन अभी चल रहा है, जो ओलंपिक प्लेयर है, ठीक है, वो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हड़ताल कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ जो गलत हुई है उनके एकेडमी में, ठीक है, तो उनको अभी तक के इंसाफ नहीं मिला है। और यहाँ तक के हमारे देश के जो बड़े लेवल के पीएम है और होम मिनिस्टर है, उनके वो भी कुछ बोल ही नहीं रहे इस टॉपिक पे, शांत है, बस चुनाव प्रचार, चुनाव चल रहे तो उसी पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो, आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन जो रेप के है, रेप पे आप लोगों को बात करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि हर यहाँ हर रिलीजन के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मतलब सोच लो, अगर कोई आम इंसान होगा तो उसके तो कोई सुनवाई नहीं है, मतलब वही तो हमारे देश में ये इनके साथ ऐसा हो रहा है। और फिर जो आम जनता है, अगर उनके साथ कुछ होगा तो उनकी आवाज कौन बनेगा? और ये सब गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, इनके इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। और साथ में और भी टीम, और भी खिलाड़ी लोग हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोविंग है, उनका भी मुंह बंद है, ठीक है। तो
ये सब चीज देख के ना बहुत बुरा लगता है यार। और ये सब चीज सोच के हमें अपनी बहन बेटी, अपने घर की खुद की मम्मी, खुद की बहन के बारे में सोचना चाहिए। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बोला कि सच में ये चीजें जो होती है उसके लिए जो इस्लामिक कानून है वो सबसे बेस्ट है। और सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं, यहाँ इंडिया के लोग ही वो चाह रहे हैं कि जो सऊदी की जो कानून है वो सबसे बेस्ट है और यही चीज सऊदी नहीं अरब कंट्रियों की जो रहती है ना कि तुरंत 3 दिनों के अंदर ही उसको मौत दे, सजा दे, फांसी दे उसे, ठीक है, रूल रेगुलेशन के साथ ही दे, किसी को रूल कानून को तोड़ना नहीं है लेकिन उनको फांसी दे, ताकि लोग, आजकल हम देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में आए दिन इतने रेप केस हो रहे हैं और यहाँ तक कि 2 साल 1 साल की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता है। तो ये बहुत बहुत गलत हो रहा है और इसमें बड़े बड़े नेता शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सख्त कानून बनना चाहिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।